पढ़ेंगे। पिछले वीडियो के अंदर हमने एरे के बारे में पढ़ा था कि हम एरे कैसे बना सकते हैं, और इसके अंदर हमने इंडेक्स एरे बनाया, फिर उसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यू भी दे सकते थे, और मल्टीपल वैल्यू की कोई ना कोई इंडेक्स वैल्यू ज़रूर होती है, जैसे 0, 1, 2 सॉरी इस तरह के एरे को हम इंडेक्स एरे कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये एक एरे हमने बनाया, इसके अंदर मल्टीपल वैल्यू दी, इसको हम इंडेक्स एरे कहते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू यानी 10 को 0, 1 और 2 इस तरह हम शो कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम ये चाहते हैं कि इंडेक्स एरे को यानी 0 और 1 को हम कोई स्ट्रिंग वैल्यू देना चाहते हैं, तो उसके इसके लिए हम जो है एसोसिएटिव एरे को यूज़ करेंगे। तो आज का लेसन भी हमारा एसोसिएटिव एरे है, एसोसिएटिव एरे के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ये हमने एरे लिखा, उसके अंदर हमने स्ट्रिंग वैल्यू दी इक्वल या ग्रेटर है 10 से, इसी तरह ये, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा के बन गई, ये हमारा एसोसिएटिव एरे है। इसको लिखने का एक दूसरा तरीका भी है, इसके अंदर ये होता है कि ये जो वैल्यू है और ये जो है ये की है, ठीक है। तो अगर नाम को हम की बोलते हैं और जो ये वैल्यू 10 इसको वैल्यू बोलते हैं, यानी ये जो वैल्यू है ये इस की को एसोसिएट कर रही है, ये जो 10 वैल्यू है ये की बिलाल को एसोसिएट कर रही है। एसोसिएटिव या एसोसिएट साथ देना या साथी के लफ्ज़ों में इस्तेमाल होता है, तो इसलिए इसको ये वैल्यू या बिलाल की एसोसिएटिव है, एसोसिएट है, इसका साथी है, इसके साथ है। तो ये इसके बारे में था कि जो वेरिएबल हमारा जो एरे है एसोसिएटिव एरे, इसको कैसे हम यूज़ करते हैं। तो चलते हैं हम प्रैक्टिकल की तरफ, टेक्स्ट एडिटर ओपन करते हैं, जैम मैंने ओपन कर लिया है, और ये भी हमने ओपन करके लोकल होस्ट डॉट के अंदर जो है वो एसोसिएटिव एरे के नाम से एक फाइल मैंने बनाई हुई है। इसके अंदर हम चलते हैं, फाइल पहले मैं बना कर रखी हुई, टाइम ज़ाया ना हो फाइल बनाने का। आपको पता है कि यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू पे क्लिक करेंगे और उसके अंदर फाइल इंटर करेंगे और इधर आ जाएगी। अभी यहाँ पर हम डायरेक्टली कोड लिखते हैं, PHP का कोड लिखते हैं, और PHP का कोड लिखने के बाद इसके अंदर एक एरे बनाते हैं, और डॉलर का साइन एज नाम का एरे बनाते हैं, और इसको AWR AY एरे और ब्रैकेट, और इसके अंदर हम लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमा BILAL बिलाल, ठीक है जी, बिलाल इक्वल या ग्रेटर देन 25, ठीक है जी, कॉमा, उसके बाद इसके अंदर बाकी चीज़ें डाल देते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे बिलाल की बजाय दूसरा AM आमर डाल देते हैं, इसकी वैल्यू हम कर देते हैं जी 30, और इसके बाद हम डाल देते हैं यहाँ पे तीसरा ASIM आसिम डाल देते हैं, इसकी वैल्यू कर देते हैं 32। तो ये हमारे पास हो गई, और यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा देंगे, ठीक है। तो इसको अभी हमने इको करना है नीचे, यहाँ पर इको कैसे करना है, ACHO इको डल का साइन AGE और इन्वर्टर कॉमा BILAL बिलाल, ठीक है जी, और यहाँ पे हम लगा देंगे सेमीकोलन। अभी इसको यहाँ पे जाकर रिफ्रेश करेंगे तो ये बिलाल की वैल्यू 25 आ गई, ठीक है। यहाँ पे आप चेंज करेंगे, आमर लिखेंगे तो आमर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 30, आसिम लिखेंगे तो आसिम की आ जाएगी। अगर आप तीनों लिखना चाहते हैं तो तीनों लिख लें, Ctrl+C को कॉपी करके मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ
वी, और इसके अंदर हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं अमर, और यहाँ पे ऐड कर देते हैं एस आई एम आसिम। तो रिफ्रेश करेंगे तो तीनों की वैल्यू आ गई, एक लाइन में आ गई, लेकिन इसको हम ब्रेक करेंगे यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन मटर कॉमा, ठीक है, और इसके अंदर हम पी आर का टैग लगा देंगे और बाकी ठीक है इसी तरह ही है। इसको हम कॉपी कर लेंगे, इसको यहाँ तक वी वी सेव रिफ्रेश, तो ये इसकी वैल्यू इस तरह आ जाएंगी तीनों की। एसोसिएटिव एरे को बनाने का एक न्यू तरीका जो पीएचपी 5.4 वर्जन के अंदर आया है, इसको हम राउंड वर्सेस ख़त्म कर देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं, स्क्वायर वर्सेस लगाते हैं। अभी यहाँ पे ही हम करते हैं जी, यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि अगर हम आगे चलते रहें। आपको पता है मैं इसको जो है वो सेव रखना चाहता हूँ, तो कंट्रोल वी यहाँ पे, और ये यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा देंगे और यहाँ पे भी ये स्क्वायर वर्सेस लगा देंगे। अभी आगे चलते हैं, आगे हमने क्या करना है, अगर हम टेस्टिंग के लिए इसको यूज़ करें तो उसके लिए फिर आपको पता है यहाँ पे डॉलर का साइन एज और इस ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा जी इन्वर्टेड कॉमा, नहीं टेस्टिंग के लिए हम यूज़ करेंगे प्रिंट आर के फंक्शन को यूज़ करेंगे, प्रिंट आर पी आर आई एन टी प्रिंट अंडरस्कोर आर, और इसके अंदर हम क्या करेंगे जी डॉलर का साइन ए जी एच और सेमीकोलन। इसको जाके यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे सिंटैक्स एरर आ गया जी। क्यों एरर आया जी, एरर इसलिए आया कि कोई मिस्टेक एक्सपेक्टिंग, अच्छा जी कोई एरर क्यों आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है भाई, अभी देख लेते हैं इसको, अगर इसकी वजह से आ रहा है तो फिर तो मसला नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से अगर आ रहा है तो उसको हम ठीक कर लेते हैं, हाँ इसी ब्रैकेट की वजह से आ रहा था। अच्छा तो ये हमने डाल दिया, ठीक है जी, इस तरह प्रिंट आर का फंक्शन। उसके बाद हम जो है वो यहाँ पे इसको हम दूसरे तरीके से इसको कर लेंगे, इको वाटर कामा
और ये प्री का फंक्शन यूज़ करेंगे और यहाँ पे सेमी कोलन लगाएंगे। और प्री का फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं पता है आपको? पीछे हमने यूज़ किया था इसको, हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे कंट्रोल एस। तो ये हमें ये और ये यहाँ पे हमने बंद नहीं किया, तो ये क्या करेगा जी, ये इस तरह में एक लाइन में एक कॉलम में शो करेगा, ठीक हो गया जी। तो ये प्रिंट आर के अंदर हमें सारा कुछ दिखा रहा है जी। और अगर हम यहाँ पे प्रिंट आर की बजाय ठीक है, इसके अंदर अगर हम दूसरा एक फंक्शन है वो यूज़ करें जिसको कहते हैं वेयर डम। वेयर डम क्या करता है, ये भी पीछे हमने देखा था कि ये डाटा टाइप और उसकी वैल्यू भी बताता है और डाटा टाइप भी बताता है, ठीक है, ये करता है बस। अब ये वैल्यू भी बता रहा है और डाटा टाइप भी बता रहा है इसकी, ठीक है। उसके बाद अगर हम ये करें हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो है वो किसी एक की वैल्यू यहाँ से हम चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं, तो हम डॉलर का साइन लगाएंगे ए जी एच और इस ब्रैकेट के अंदर हमें नोटेड कॉमे में लिखेंगे बिलाल की वैल्यू हम चेंज करना चाहते हैं और इसको हम 50 करना चाहते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे बिलाल की वैल्यू है 25 और जब हम इसको करेंगे तो ये अभी देखें 50 हो गई है, ये इंटीजर वैल्यू है और ये 50 हो गई है। उसके बाद हम और क्या क्या कर सकते हैं जी, और हम क्या कर सकते हैं, और कर सकते हैं जी यहाँ पे इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम अच्छा अगला हमने क्या करना है जी, हम ये चाहते हैं कि इस वैल्यू को हम स्ट्रिंग बना दें, तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा यूज कर सकते हैं और इस वैल्यू को हम फ्लोट बना दें। तो इसकी ये वैल्यू तो यही रहेगी लेकिन यहाँ पे हमें इसकी डाटा टाइप चेंज होगी, ये इंटीजर था, सारे इंटीजर थे, अभी देखें ये तो इंटीजर आ गया बिलाल की जो है ये, और इसकी फ्लोट बन गई, बिलाल की जो है ये इंटीजर नहीं बल्कि इसकी स्ट्रिंग वैल्यू बननी चाहिए थी लेकिन स्ट्रिंग क्यों नहीं बनी। अच्छा यहाँ पे बिलाल को हमने शो किया हुआ है, ये इंटीजर है इसलिए यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं बनी। इसको मैं ख़त्म करता हूँ कंट्रोल एस। अभी ये देखिए बिलाल की जो वैल्यू है ये स्ट्रिंग बन गई और इसकी ये फ्लोट बन गई, तो इसको हम इस तरह भी यूज़ करते हैं, इसकी वैल्यू को स्ट्रिंग और फ्लोट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम न्यूमेरिक वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं जैसे 1 नहीं 0, 1 और 2 या 3
टू और वन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल एस यहाँ पे भी यूज़ करना पड़ेगा, वन टू और थ्री। अभी देख लें यहाँ पे तो एरर आ गया है। एरर इसलिए आया कि यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कोट में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखें ये पहली वैल्यू जो है वो वन स्ट्रिंग टू फ्लोट थ्री इंटीजर, ये आप इस तरह भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप और क्या कर सकते हैं जी, और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम देखते जाएं अभी हम क्या कर रहे हैं। तो ये अभी अच्छा ये नीचे आ गया, अभी ये सारी वैल्यू आ गई क्योंकि वो स्ट्रिंग वैल्यू थी इसलिए शो नहीं हो रही थी। यहाँ पे हम 100 कर दें, यहाँ पे ये कर दें, यहाँ पे ये कर दें, तब क्या होगा जी। तो यहाँ पे तो एरर आ गया नीचे, यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखें ये वैल्यू चेंज हो गई, और यहाँ पे भी अगर हम कर दें 123 और 35, अभी यहाँ पे भी वैल्यू आ जाएंगी। तो ये हमारा लेसन था एसोसिएटिव एरे, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आगे ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह ताला आपका हमनसर हो। अल्लाह हाफिज़।